जितनी एविडेंस है आपका उसका बताया जा रहा था भाई, उसको आगे बढ़ाया जाए ना, इसे खोले रहने दीजिए क्लास में। हाँ मैंने खोले रहने दीजिए छोटी। देखिए एविडेंस में आपका कुछ सिद्धांत एकत्रित करवाए जा रहे थे और उन सिद्धांतों को पहले एकत्रित करवा दिया जाए तब आपका बेयरिंग और क्या पूछा जाता है। उसी सिद्धांत में मैं बता रहा था कि बिहार में पिछली बार क्या क्वेश्चन बना, यूपी जे में क्या क्वेश्चन बना और आपका यूपी ए पी ओ में क्या क्वेश्चन बना। तो आपका कंफेशन से चल रहा था यानी कि संस्वीकृति पर हम थे, आपके रिक्वायरमेंट मिल जाएगा आपका नहीं आएगा। कंफेशन से जो क्वेश्चन आपका बनता है सेक्शन एक, तो आपका कंफेशन की परिभाषा बन जाता है कि कंफेशन को परिभाषित करिए ये बताया गया। फिर आपका 24 से आपका भले कम बने 25 से क्वेश्चन बनता है कि पुलिस अफसर की अभिरक्षा में, ये पिछली बार इंटरव्यू में बना है कि पुलिस अफसर की अभिरक्षा में होते हुए की गई संस्वीकृति का क्या महत्व हो। तो आप ये कहेंगे कि जो पुलिस अफसर की अभिरक्षा में पुलिस से संस्वीकृति की जाती है वह विसंगत होती है अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध आपका साक्ष्य में प्रयोग नहीं की जाएगी यानी कि प्रूफ नहीं की जाएगी। जो आपका पिछली बार एक लोगों से फंसाया था आयोग ने, ये फंसाया था कि 25 और 26 में अंतर क्या है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप ये बताएंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो या न हो, अगर पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति की जाती है पुलिस ऑफिसर से, तब धारा 25 उसको लिख लीजिए। तो पुलिस अभिरक्षा में हो या न हो, मैंने पुलिस अभिरक्षा से मतलब नहीं है, इसमें पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त हो या न हो, यदि पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति की जाती है तो धारा 25 से गवर्न होगी। तो धारा 25 से गवर्न होगी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अगर अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किसी अन्य से कंफेशन करता है तब सेक्शन 26 लागू होगा। पुलिस नहीं, यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन है, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किसी अन्य से संस्वीकृति करता, तेजी लिखे तेजी से संस्वीकृति करता है तब कौन सी धारा अप्लाई होगी, 26। यहाँ एक सिद्धांत पूछ सकता है कि जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी कानून करने की इजाजत नहीं देगा। धारा 26 में सिद्धांत लिखे, जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, लिख लीजिए। जो कार्य डायरेक्ट नहीं किया जा सकता उसे इनडायरेक्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये किस धारा का सिद्धांत है अगर आपसे पूछे तो 26। अब एक दो उदाहरण, देखिए अभी मेन चीज़ें चल रही हैं भाई, इसलिए मेन चीज़ें चल रही हैं। मान लीजिए दो दिन बाद ही आ गया डेट, तब क्या करेंगे, तो कम से कम एक माइंड में इस वक्त तो हुआ रहे, कहीं दो दो दिन हर एक कानून पर एक सरसरी नज़र गई रहे, क्या बता सकते हैं। और तो पढ़े ये थोड़े कि भाई वो दो बोल रहे इतना पढ़े गए, तो मेन चीज़ें हमने निकालनी है। और आप लोग का एक क्वेश्चन आपका मैं बता दूँ, कुछ निकाल कर लाइए, हम तो आपका
आप निकालेंगे ही जो पुराने आपका नोट्स हैं या जो पुराने लोगों ने क्वेश्चन वहाँ महीनों जाकर बनाया है, वह पिछली बार एपीओ में वो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। रोज आते थे लड़ते हैं, रोज बनाकर क्वेश्चन 25-50 लाते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, इसको हाँ, ये 46 में बताया जाएगा, वही जो मतलब कि आपका अवशेषी धारा वो बता देंगे, उसको दो तीन धारा और जोड़ना पड़ेगा, एक गलत नहीं है। आगे लिखे हुए इसमें पढ़े लिखवा दिया तब क्वेश्चन पर आ जाए। इसके बाद एक उदाहरण पूछा गया था पिछले बार, मैंने जो रिपीटेड क्वेश्चन है ज़्यादा वो बताया जा रहा है। ये पूछा गया था उदाहरण, एक अभियुक्त है पुलिस अभिरक्षा में है और सह कैदी से अपना अपराध स्वीकार करता है, तो ये सब स्वीकृति साक्ष्य में विसंगत होगी इस समय, तो आपका जवाब रहेगा विसंगत होगी। इस सेक्शन में होगी, यही भरमा दिया था, लड़का बताया 26 और आयोग भरमाने के लिए कहा था कि 25 में होगी कि 26 में, तो भरमना नहीं है, पुलिस अफसर से ही करता, तब आपका 25 और पुलिस अभिरक्षा में होते हुए किससे किया है सह कैदी, तो कौन सी धारा 26 और ये संस्कृति क्या होगी विषम। लेकिन धारा 26 में एक एक्सेप्शन और उस एक्सेप्शन से भी आपका सीबीआई एपीओ में एक क्वेश्चन बना। धारा 26 में एक अपवाद यह है कि अगर पुलिस अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से संस्वीकृति की जाती है तो वह रेलेवेंट होगी, वह सुसंगत होगी, यानी कि वह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में क्या की जाएगी। तो जो आपका सीबीआई एपीओ में क्वेश्चन बना था कि न्यायिक संस्वीकृति या जुडिशियल कन्फेशन का प्रावधान एविडेंस में कहा, ये पूछा गया था, लिख लीजिए एक अपना लिखे, जुडिशियल कन्फेशन या न्यायिक संस्वीकृति, इसको भाई ये भी कहा जाता है फार्मल, इंग्लिश वर्जन भी लिखते रहे फार्मल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, न्यायिक संस्वीकृति, हिंदी बता रहा हूँ, औपचारिक या प्रारूपिक, एक ही शब्द है, एक शब्द लिखिए, इंग्लिश वर्जन जरूर लिखिए क्योंकि हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, लीगल वर्ड आपका किस में रहेगा इंग्लिश में, औपचारिक नहीं पूछा जाए तो या तो जुडिशियल या फार्मल, ये भी सतर्क रहना है। तो फार्मल कन्फेशन आपका मैंने या न्यायिक संस्कृति की धारा में है, तो आप बताएंगे कि एविडेंस की कौन सी धारा, आपका 20 ये बताएंगे। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो न्यायिक संस्वीकृति होती है वह आपका कर सकते हैं सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत लिखी जाती है, तो आपका जवाब रहेगा 164, कौन सा धारा रहेगी 164, तो आगे बताया जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ आया है उसको हमें डील करना है, क्वेश्चन जो आया है उसको मुख्य रूप से डील करना है, और वह क्वेश्चन आपका ये आया है कि जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखता है उसके बाद अभियुक्त को एक प्रमाण पत्र देता है सर्टिफिकेट, उस प्रमाण पत्र को कहते क्या, उसका जो सीबीआई एपीओ ने पूछा, उस प्रमाण पत्र को संतुष्टि प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट लिखे। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत ये पूछा जाता है, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संस्वीकृति लिखने के पश्चात
मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को हल्का तेजी से याद चलाइए, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसे संतुष्टि प्रमाण पत्र इंग्लिश वर्जन भी लिखिएगा, सेटिफिकेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। भाई इंग्लिश को भी आप बता सकते हैं, आजकल इंग्लिश चल भी रहा है, कोई ये नहीं, इंग्लिश आप बता सकते हैं भाई, संतुष्टि प्रमाण पत्र कहा जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद आपका सेक्शन 27 से भी क्वेश्चन बनता है, आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तो सेक्शन 27 आपका डिटेल में बताया जाएगा, इस पर केस भी याद रखना है। सेक्शन 28 छोड़ सकते हैं, 29 से 27 बताया जाएगा, 29 से नया क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है 29 से कि अगर कोई अभियुक्त नशे में या निद्रा में या स्वयं से बड़बड़ाते हुए कन्फेशन करता है तो क्या वह कन्फेशन रेलेवेंट होगा, तो आपका जवाब रहेगा होगा। तो सेक्शन पूछे तो कौन सी धारा पूछे, तो जो अटैक करना है उसको लिख लीजिए निद्रा, निद्रा में संस्वीकृति ये और नशे दो लिखे और बताया जाए, निद्रा और नशा बस अभी दो लिखिए। इसके बाद आपका पूछा जाता है सेक्शन 30 से को एक्यूज, देखिए हिंदी में नहीं पूछेगा, सेक्शन 30 से को एक्यूज यानी कि सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति, को एक्यूज या सह अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, सेक्शन 13 बोलो। नमस्ते, थोड़ी देर बाद क्लास में 12 बजे आपको फोन करते हैं सर। हेलो, देखिए आपका ये क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन यहाँ 2-3 मुख्य रूप से पूछते हैं, पहला क्वेश्चन को एक्यूज क्या कौन कहलाए, तो आपका सतर्क होकर एक लाइन बताना, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त विचार, बस इतना बताइएगा, जब दो या दो से अधिक अभियुक्तों का व्यक्तियों लिख सकते हैं एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल, एक सेकंड तैयार आ रही थी Thank you.
ayam ba? Sampai वह वैध माना जाएगा। हम अपने मत नहीं बता रहे हैं,
कहाँ से जोड़कर पढ़ेंगे, 306 नहीं 316, और ये सपराधी को क्षमादान 306 307 और क्षमादान की शर्तों का वायलेशन करने का प्रभाव कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा कर सकते हैं कि सेक्शन 308 सीआरपीसी। आगे आइए 306 में सामान्य न्यायालय और जिस न्यायालय को कमिटल किया गया है मामला सुपुर्द किया गया है वह न्यायालय भी क्षमादान दे सकता है 307 मैंने कमिटल को, जिसको कि मामला जैसे 209 में सीआरपीसी क्या किया जाता है, तो जिसको सुपुर्द किया गया वह न्यायालय भी पार्डन दे सकता है, ये याद रखिए। बताया जाएगा सीआरपीसी भाई पर एक बार वो हो जाए एविडेंस का, आज मैंने पूरा कर दिया जमीन में। इसके बाद आपका 31 से, हाँ एक और क्वेश्चन इसमें अच्छा बनता है, कम से कम 10 अंतर याद करना पड़ेगा। पूछा जाता है को एक्यूज्ड और एक कॉम्प्लिक्स में अंतर, यानी कि स अभियुक्त और स अपराधी में क्या अंतर है, तो कम से कम कितने अंतर आपको दिखाने पड़ेंगे, 10 आप तैयार करके जाइएगा, जैसे ही पूछे आप शुरू कर दीजिएगा अंतर बताना, जैसे 3-4 अंतर बताएंगे जान जाएगा कि जब क्या रटूत होता है। देखिए पहला आप जब भी अंतर बताइए पूछा भी गया है मुख्य अंतर ही बताइए, जैसे कि आपका पिछली बार कई लोगों से पूछा गया कि आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 में अंतर क्या है, कई लोगों से पूछा गया और आपका मैं लगातार रटवा रहा था कि जब भी अंतर पूछे के सोचना बताइए वो आवश्यक तत्व न बताइए, तो मेंस के लिख कर आए ही आप जो डिटेल है वही एक लाइन बताना, तो जो नॉलेज और इंटेंशन की मात्रा यानी कि ज्ञान और आशय की मात्रा में अंतर, अगर ज्ञान और आशय की मात्रा थोड़ा क्या हो अब तो 300 और थोड़ा डाउन हो तो 299। अब ये पैमाना आपका कब 299 में ज्ञान आशय की मात्रा ज़्यादा है कब कम है ये डिसाइड करना आसान काम नहीं, ये परिस्थितियाँ देखी जाएंगी प्रूफ देखी जाएंगी, लेकिन आप क्या बताएंगे 299 300 में अंतर पूछे तो एक लाइन ज्ञान और आशय की मात्रा में, तो किस में ज्ञान आशय ज़्यादा होता है हत्या में और किस में कम होता है आपराधिक मामलों में, तो 7-8 अंतर इसमें भी। इसके बाद आपका 31 एडमिशन का इफेक्ट क्या होगा यानी कि स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, तो स्वीकृति का प्रभाव स्टापेल होगा। इसके बाद 32 से आपका क्वेश्चन बनता है यानी कि धारा 32(1) से ज़्यादा बनता है और कभी काल ये पूछ लिया है कि आठों खंड बताइए, तो जो 32 में एक क्लाज है मैं बता दूँ कम से कम एक बैक लाइन आठों को क्या करिएगा याद करिएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको तैयार करना है कौन सा 32 का क्लाज कौन सा वन, इसमें 3-4 क्वेश्चन हम केवल निकालते हैं सभी नहीं, आपका 3-4 क्वेश्चन मुख्य मुख्य निकालना है जो आ चुका है। पहला क्वेश्चन डीडी क्या है यानी कि डीडी नहीं कहेगा डाइन डिक्लेरेशन, डाइन डिक्लेरेशन या मृतकालीन कथन क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति का कथन जिसकी मृत्यु हो गई हो और जिसने अपने मृत्यु के जिसने अपने कथन से स्वयं के कथन से अपने मृत्यु के कारण अपने जरूर जोड़िएगा स्वयं के मृत्यु के कारण को बताया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति को बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु, इसी को हम क्या कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। अब क्वेश्चन देखिए कहाँ बनता है, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये बना कि मृत्युकालीन कथन में
स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में सुसंगत होता है कि दूसरे व्यक्तियों के मृत्यु के कारण के बारे में? तो आपका जवाब रहेगा स्वयं के मृत्यु के बारे में बताना सुसंगत और दूसरे व्यक्तियों के मृत्यु के बारे में क्या होगा विसंगत। यानी मृत्यु का कथन स्वयं के मृत्यु के कारण बताएगा कि दूसरे के मृत्यु के कारण स्वयं का, ये पूछा गया। बिहार में जो पूछा गया एक केस है आपका दुराचार का मामला, एक स्त्री के साथ दुराचार होता है और जाकर वह आत्महत्या कर लेती है, ये कहते हुए कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, क्या उसका कथन मृत्युकालीन कथन माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु का होना और कथन का होना आपस में क्या हो रही है आगे बताया जाएगा। नहीं और भी केस है, पुराना भी केस हम बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। इसके बाद 35-34 आपका लेखा भाई लड़का ही पूछा जाता है, 35-36-37 38 39 40 से क्वेश्चन बनना शुरू होता है निर्णयों की सुसंगतता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो मुक्त मुक्त अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे। आपका धारा 40 से बनता है कि रेह इंडिकेटा का सिद्धांत आपका एविडेंस की किस धारा में, ये बिहार जेल में पूछा गया था भाई, इसको एक जगह एकत्रित करिए। कई लोगों से पूछा गया और मैं पढ़ाते समय यही आपका जो कोरिलेशन हो रहा है मैं बता दूँ वर्तमान समय में, यही कोरिलेशन आपको कह सकते हैं कि हल्का सा अन्य लोगों से आगे पढ़ाए। तमाम लोग LLM परीक्षा दिए, वहाँ भी पहले नंबर आए, यानी कि रैंक फर्स्ट आए, तमाम लोग आए और कहे कि आपका बस हमने कोरिलेशन क्या किया लिख, कई जगह एडी लाखा जो लेक्चर एडी लाखा दिया गया, अब लॉकडाउन में कहाँ नोट्स पाएंगे, तो एडी लाखा लेक्चर लोग लिखे टेलीग्राम से और वहीं जाकर LLM दे दिया और फर्स्ट रैंक आ गई, यानी कि LLM जो लोग कर रहे हैं और कोरिलेशन बिहार में भी काम किया। ये कई लड़कों से भी कोचिंग के पूछा गया रेजुडिकेटा के बारे में, बस ये पूछा गया कि रेजुडिकेटा कहाँ कहाँ बता दीजिए, एक जगह तक करिए सब जहाँ जहाँ। अब रेजुडिकेटा एविडेंस में पूछे कि कहाँ है तो कौन सी धारा मारेंगे, फोर यानी चार, इसी को आपका हम एविडेंस से बाहर CPC में जाते हैं और आपका पूछा जा सकता है। देखिए पिछली बार कुछ लोगों से क्वेश्चन संविधान और APO में CPC से भी पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपका अब दिमाग में आ रहे कहाँ से पूछ गए थे, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से, लेकिन हल्का हल्का और भी आपको जानना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए आपका रेजुडिकेटा CPC में लिख लीजिए, भारत के न्यायालय का निर्णय है तो 11 और विदेशी निर्णय है तो 13, दो धारा लिखिए। भारतीय न्यायालय का निर्णय कौन सी धारा में रेजुडिकेटा का काम करेगा CPC के 11 और विदेशी निर्णय पूछ ले तो कौन सी मारेंगे 13, लिख लिए शॉर्टकट में लिखिए भाई अपने आप समझिए। इसके बाद आपका पूछा जाता है संविधान, हमें लगता है सभी लोग जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 20 का उप अनुच्छेद 2, संविधान में लिखिए इसको रट कर जाइएगा, संविधान का अनुच्छेद 20 का कौन सा उप अनुच्छेद 2। इसके बाद पूछा जाता है CRPC में तो CRPC की धारा 300 का क्लाज बताइएगा, पिछली बार एक लोग भरमा दिया था क्लाज 192 में, इसमें रेजुडिकेटा 1। इसके बाद रेजुडिकेटा का आपका पूछ सकता है कि रेजुडिकेटा का प्रावधान न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहाँ है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां तक हम लिखवा दे रहे हैं। लिखिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38(c) में 38(1)(c) इस बार रिपीजन हो गया था 38(1)(c) में उपरांत न्याय को यानी कि रेड जुडिकेटा को अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत माना गया। ये आपके लिए नया क्वेश्चन बना है, पढ़ते तो सभी कुछ नया निकाला है। न्याय रेड जुडिकेटा का क्या माना गया है? रेड जुडिकेटा अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या है? अब आइए आपका CPC हो गई, संविधान हो गया, CRPC हो गया, एविडेंस हो गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गया। अब आपका सेक्शन 41 से इंटरव्यू में क्वेश्चन बनना ज्यादा 41 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बना है, बिहार में बना था। इसका क्वेश्चन पहला 41 से ये बना है कि जजमेंट इन रेम, इंग्लिश वर्जन लिखिए जजमेंट इन रेम का प्रावधान एविडेंस की किस धारा में, इसको कहते हैं हिंदी में सर्वबंधी निर्णय, लोकलक्षी निर्णय या विश्वव्यापी, लिख लीजिए लोकलक्षी, लोकलक्षी, सर्वबंधी, विश्वव्यापी। इंग्लिश वर्जन आपका रहेगा जजमेंट इन रेम। ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार में, किस सेक्शन में है? तो आपका जवाब रहेगा 41। एक क्वेश्चन बनता है कि जजमेंट इन रेम कितने विषयों पर दिया गया निर्णय जजमेंट इन रेम माना जाएगा? तो आपका जवाब रहेगा 4। हम बताएंगे क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन बना है, प्रोवेट पर ज़्यादा क्वेश्चन बना है कि प्रोवेट क्या है, यही इंटरव्यू में बना है तो उसको बताया जा रहा है 4 विषयों पर। इसके बाद आपका जो देखना है कि जजमेंट 2 प्रकार के प्रभाव होता है, एक जजमेंट इन परसोना और दूसरा जजमेंट इन रेम। हो सकता है पूछ ले परसोना में केवल पक्षकार बात होते हैं या उनके हित प्रतिनिधि और रेम में पूरा विश्व, ये याद रखे आगे बता रहे हैं। इसके बाद आपका सेक्शन 44 से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है 44 से कि रेम जुडिकेटा को विफल करने के लिए एविडेंस की किस धारा का सहारा लिया जा सकता है। नया क्वेश्चन निकालिए, रेड जुडिकेटा को विफल करने के लिए एविडेंस की किस धारा का सहारा लिया जा सकता है, अर्थात पूर्ववर्ती निर्णय प्राण न्याय के रूप में काम ही न करे इसके लिए प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सेक्शन 44 याद रखें, ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन बन सकता है किसी निर्णय को चैलेंज किन आधारों पर किया जा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा एविडेंस की धारा 44 में 3 आधार दिए गए हैं। कितने आधारों पर? 3, हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद आपका एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाती है 45 से लेकर 51 और यहाँ भी क्वेश्चन आपका हो सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि आपका धारा 45 से लेकर 51।
यहाँ क्वेश्चन आपका एक तो 45 से भी बन जाता है, दूसरा 46 से बन जाता है, और जो आप बता रहे थे निकलेगा मित्रा जी 20,000 चलिए सात तारीख को ट्रांसफर कर दो। देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 46। जब भी 46 पढ़िए, केवल 46 नहीं पढ़ना है, जहाँ जहाँ अदरवाइज या अन्यथा शब्द हो उन सभी को मैं एक जगह एकत्र करवा दे रहा हूँ। और अदरवाइज आसान शब्द नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अन्यथा उसको लिखे तो एक पढ़िएगा एविडेंस की धारा 7 लिखे। कौन कौन एक साथ पढ़ना है? एविडेंस की धारा 7, उसके बाद 11 लिखिए 11, उसके बाद आपका आ गया 29, उसके बाद आपका 46। इतना कम से कम पढ़िएगा। इधर से आपका मैंने क्वेश्चन आपका ये बनता है, देखिए इस 49 में यानी कि 46 में है क्या? जो एक्सपर्ट 45 में ओपिनियन दिया है, उस ओपिनियन को जितनी भी बातें सपोर्ट करेगी या जितनी भी बातें उसका विरोध करेगी, वे सभी बातें भी एविडेंस में क्या होगी? ये अन्यथा शब्द लिखा है और इसी अन्यथा पर क्या करना है आपको पता है? जो अन्यथा संविधान से भी जोड़कर सीआरपीसी से भी जोड़कर पढ़ना है। इसके बाद आपका 45-51 को देखना ही है, 51 भी कभी काल आधार पूछ लेती है। 52 से लेकर 55 तक क्वेश्चन बनता है आपका, कर सकते हैं कि करेक्टर के बारे में, सीख के बारे में। जो पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चन बना था वह 53A पर बना था, क्योंकि अभी नई नई जोड़ी गई थी। तो 53A अच्छे से याद रखना है, 53A में आपका नई धारा है, पूर्व लैंगिक अनुभव के साथ को विसंगत बनाया गया है। तो हम बताएंगे इसको जोड़कर एविडेंस की धारा 146 जोड़ लीजिए। इसके साथ एविडेंस की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 146 उसका भी करते हैं। इसके बाद आपका इधर से क्वेश्चन आपका जो बनता है हो गया 55, 56 आपका 57, 58, 59, 60 से भी क्वेश्चन बनता है मौखिक साथ से। सिद्धांत आपका लिखिए, 60 में सिद्धांत लिख लीजिए, प्रत्यक्ष साक्ष का सिद्धांत, डायरेक्ट एविडेंस का सिद्धांत। प्रत्यक्ष साक्ष का सिद्धांत कहाँ है? 60 में। और अगला क्वेश्चन बन सकता है अनुसूत साक्ष का सिद्धांत, अनुसूत साक्ष नहीं पूछेगा, ईयर से एविडेंस पूछेगा। इसमें इंग्लिश वर्जन लिखिए, ईयर से एविडेंस पूछे, सभी कौन सी धारा मारनी है आपका? 60 ही मारनी, 61 से लेकर इधर तो भाई पूछा ही जाता है आपका कभी काल पब्लिक। हाँ, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट में कुछ पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ बातें अभी लिख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन आपका UPSC और ये इधर पूछा गया कि डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। यही लोग गलत कर जाते हैं भाई, छोटी छोटी बातें लिखे, काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के प्रकार बताइए। तो आप दो प्रकार बना लीजिए, इंग्लिश वर्जन भी बोलते रहे भाई, आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट। पहला पब्लिक डॉक्यूमेंट और दूसरा कौन सा? प्राइवेट। सेक्शन एड करते रहे ताकि धारा भी क्या हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 में और प्राइवेट
by date document 75. इसके बाद आपका पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही ज़्यादा उल्लेखित किए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। यानी कि पहला कहीं कीजिए, दस्तावेजी साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक साक्ष्य और दूसरा क्या है? द्वितीयक साक्ष्य। आपका इसके बाद पूछा गया है डेड एविडेंस किसे कहा जाता है? मृत साक्ष्य। इंग्लिश वर्जन लिखते हुए डेड एविडेंस या मृत साक्ष्य किसे कहा जाता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि मृत साक्ष्य किसे कहा जाता है, तो आप ये बताएंगे कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है, उसी को आपका डेड एविडेंस कहा जाता है। ये भी आज का क्वेश्चन डेड मृत हाँ बता रहा हूँ तो कहा जाता है, जो आप पूछने को बताना पड़ेगा। पहले लिख तो लीजिए, एक लाइन और लिखिए, बेस्ट एविडेंस कौन है? तो बेस्ट एविडेंस आपका दस्तावेजी साक्ष्य को ही कहा जाता है, बेस्ट एविडेंस। तो कहा बता जाए, लेकिन आपने पूछा नहीं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखिए आ जाए कि मौखिक बेस्ट होगा कि दस्तावेजी, तो भाई वास्तव में दस्तावेजी में होता है, मैंने दस्तावेजी ही मांगे जो साक्ष्य में बताता है। इसको आप पूछिए तो हम देख लेंगे भाई एक बार। अगला देखा जाए, बेस्ट एविडेंस पूछ सकता है, अब क्यों दस्तावेजी साक्ष्य को मृत साक्ष्य कहा जाता है, इस पर आइए। इसका एक उदाहरण हम करें, दस्तावेजी हाँ मौखिक दस्तावेजी आ जाए तो दस्तावेज क्यों होता है, आगे हम बताएंगे आपका। इसका तर्क दिया जाएगा, तीन तर्क कम से कम लिखवाया जाएगा, आप 91 से पढ़ाया जाएगा। तो अभी तो सामान्य बातें निकाली जा रही हैं, इसको जाकर अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। इसमें देखिए कहावत से हम समझा रहे हैं, जैसे कहा जाता है मरा हुआ मैंने जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ सवा लाख का। तो जो हम मुख से बोल रहे हैं कौन हाथी है? जिंदा। एक और बना लीजिए, लिविंग एविडेंस कौन है? जिंदा साक्ष्य कौन है? जीवित साक्ष्य कौन है? लिख लीजिए जीवित साक्ष्य किसको कहा जाता है, हो सकता है दूसरी जगह क्या हो सकता है। जीवित साक्ष्य किसे कहा जाता है, तो मौखिक साक्ष्य को लिख लीजिए। जीवित साक्ष्य किसे कहा जाता है, मौखिक को, और मृत साक्ष्य किसे कहा जाता है, दस्तावेज। अब दोनों हो गया, लिख लेना ये, इसको समझिए। जैसे कि कहा जाता है कहावत कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ सवा लाख का, यानी कि जिंदा हाथी की कीमत कम होती है और मरे हुए की क्या होती है, ज्यादा। उसी प्रकार मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा दस्तावेजी साक्ष्य सर्वोत्तम होता है, अधिक मान मूल्यवान होता है, क्योंकि एविडेंस की धारा 91 से लेकर 100 तक में ऐसी परिस्थितियां दी गई हैं जहां की दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य को क्या कर देगा, अपवर्ग। क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य में वो क्षमता होती है कि वह मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित कर दे, इस कारण से भी दस्तावेजी साक्ष्य को बेस्ट एविडेंस कहा जाता है। और दस्तावेज में जान नहीं होते, कापी किताब में कहाँ जाना है, इसीलिए कापी किताब की दस्तावेजी साक्ष्य आप लिख रहे हैं, लेकिन इसमें जान नहीं है, जीव नहीं है, पता इसे हम क्या कहते हैं, डेड। लेकिन बोल रहे हैं तो इसमें शक्ति लग रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आपका लिविंग यानी कि जीवित साक्ष्य। अगला इसके बाद आपका दस्तावेज के बारे में तुम्हें बताया जाएगा, डिटेल में सबसे लेकर
90 के तक में। फिर आपका 91 पूछा जाता है कि सिविल मामलों में रीढ़ की हड्डी कौन सी धार। सिविल मामलों की रीढ़ की हड्डी यानी कि आपका पूछा जाता है बैकबोन, बैकबोन ही कहा जाता है ना रीढ़ की हड्डी को, उसको लिख लीजिए। तो सिविल मामलों में रीढ़ की हड्डी कौन है तो आप क्या बताएंगे 91। इसके बाद त्रुटि तो भाई डिटेल में चलेगा। दस्तावेज में दो प्रकार की त्रुटि हो सकती है, एक पेटेंट और एक पेटेंट, वो बताया जाए। इसके बाद इधर क्वेश्चन जो आपका बनता है 101 से लेकर फिर आपका 114 के तक, और जो खूब पूछा गया है जो लोगों से 101 और 102 में डिफरेंस क्या है, तो 101 और 102 में डिफरेंस पूछा जाता है। तो 101 फैक्टर प्रोबेबिलिटी है और 102 क्या है ओनर्स प्रोबेबिलिटी, इतना तो बता सकते हैं ना, इतना बताएं। फैक्टर प्रोबेबिलिटी किसमें है 101 में और ओनर्स प्रोबेबिलिटी क्लास में भाई 15-20 में बात होता सारा बात है। फैक्टर प्रोबेबिलिटी और ओनर्स प्रोबेबिलिटी, फैक्टर प्रोबेबिलिटी का मतलब 101 के तहत जो सबूत का भार है वो सबूत का प्रारंभिक भार है, यानी कि तथ्य को स्थापित किया जाता है और जब तथ्य स्थापित हो जाता है तो सबूत का भार किस पर होगा, यानी कि साबित करने का भार किस पर होगा, ये कौन सी धारा बताएगी 102। पूछा जाएगा 101 का नियम बदलता है कि 102 का, तो आप कहेंगे कि सामान्यतः समानता लगाना है 101 में जो फैक्ट को स्थापित करना है उसका वह नहीं बदलता, 102 में सबूत का भार सदैव क्या होता है बदलता है। एक क्वेश्चन बनता है कि 101 में जो तथ्य को स्थापित करने का भार है या सबूत का प्रारंभिक भार है क्या इसका कोई अनुपात भी है स्पेशल, तो आप कहेंगे है एक धारा और वह धारा है 106। देखिए 101 का स्पेशल अपवाद 106 है, धारा 101 का स्पेशल अपवाद धारा 106। फैक्टर में तथ्य को स्थापित करना, ओनर्स मतलब कि तथ्य को साबित करना, हाँ चलिए 106 से भाई मैक्सिम पूछा जाता है रेस्ट एप्सिलॉन क्विटर, लिख लीजिए 106 एविडेंस है रेस्ट एप्सिलॉन क्विटर का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा ये 106। इसमें पूछा जाता है कि विधि का नियम है कि साक्ष्य, मुझे याद मुझे आ चुका है ये किसका नियम है साक्ष्य का, कि धारा में एविडेंस में समाहित है 106। साबित करने के बाद 102 बता दीजिए भाई, 5 कम से कम 6 अंतर 5 करना है, अभी तो सामान्य बातें चल रही हैं, ये तो कहें कि अभी डिस्कशन होगा, डिस्कशन मतलब आप लोग पूछिए क्वेश्चन बताए जाएंगे हर एक धारा पढ़ कर, एक दो दिन बाद पढ़ कर आइए ओके, दो दिन बाद छुट्टी होगी तो यहीं वाले को पहले क्या देना चाहता है तीन घंटा पढ़ा पढ़ा कल तक चलेगा एक बार, उसके बाद परसों से आप लोगों का
माने तीन तीन चार चार घंटा ब्रेक दे देते ठीक करना भाई तो ठीक कब आ जाएंगे और दो चार मतलब एक हफ्ते ज्यादा दिन में आए ज़्यादा समय नहीं देगा इसी बीच हमारा भी प्रयास है कि हम निपटा दें अपना तीन तीन चार चार घंटा सुबह 8 बजे से 11-12 बजे तक पढ़ाते हैं ठीक है। आपका एड्रेस 1,40,000 आपका 106 है 100 इसके बाद आपका 103 और 106 में अंतर जानना है लिखिए 103 और 106 में अंतर एक सौ सात से 114 तक हर एक सेक्शन से क्वेश्चन बना कोई ऐसा सेक्शन नहीं है कि छोड़ दिया जाए तो आपका जीवित होने की उदाहरणा मृत के जीव उदाहरणा 112 से ज्यादा बना है 113 भी से बना है कोई ऐसा धारा नहीं है एक रूप के सिवा की छोड़ दिया जाए तो आपका धर्मता का आपका निर्धारण 112 सभी लोग जानते हैं। इसके बाद आ जाइए 115 से 117 115 में इक्यापिल है ये भी अच्छे से जानना है और जो क्वेश्चन बनता है कि एक बार वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट एक बार किराएदार सदैव किराएदार एक ही धारा का सिद्धांत है तो 117 है किराएदार का द्वारा भी वंस हो 116 लिखिए 116 एक और क्वेश्चन हिंदू लाभ में बन रहा है वंस ए डाकर ऑलवेज ए डाकर जैसे कि मार्गेज में बनता है वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज उसी प्रकार आपका क्वेश्चन बनता रहता है। आगे देखिए 118 19 हाँ याद नहीं आ रहा नाम है व्हाट्सएप केस में बता दो भाई अभी याद इतना याद करना मुश्किल नहीं है मुश्किल है थोड़ा भाई नहीं एक काफी बनाते हैं भाई जो क्वेश्चन देखना है उसको हम नोट कर दिया करेंगे तब से ताकि आपका उसको देख कर दूसरे दिन बता दीजिए ये अब याद है कि नहीं याद है भाई दिमाग है तुरंत 100% कंप्यूटर है फिर कभी याद आएगा दिमाग है नहीं याद है भाई पढ़ा तो आदमी है। इसके बाद आपका 118 119 से भी क्वेश्चन बनता है डम्ड विटनेस यानी कि प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य ये भी आपका 120 21 122 हाँ 120 और 122 को एक साथ पढ़िएगा। यहाँ आपका पति पत्नी के बीच में जो कम्युनिकेशन है उस बारे में क्वेश्चन बना था और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बना था कि क्या विवाह के विघटन के पश्चात में वे संसूचनाएँ जो वैवाहिक स्थिति के दौरान दी गई है प्रोटेक्ट रहेगी तो आप कहेंगे कि हाँ और केस पूछे तो भाई है ही आपका केस वर्गीज वाला हाँ। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है 123 बताना पड़ेगा 122 23 24 की 125 से बना मुखबिरों को संरक्षण कहाँ दिया गया है इनके मुखबिरों को संरक्षण ये क्वेश्चन बना है एविडेंस में मुखबिरों को प्रोटेक्शन कहाँ दिया गया तो आपका क्या जवाब रहेगा 125 126 में ये पूछा जाता है कि आपका क्लाइंट के संसूचना को प्रोटेक्ट किया गया है कि अधिवक्ता संसूचना ये भी पूछा गया है दिमाग उल्टा चलाना है 126 में
मुवक्किल या क्लाइंट द्वारा दी गई संसूचना को प्रकरण से संरक्षित किया गया। एक सौ सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस बीस इक्कीस एक सौ बत्तीस से भी क्वेश्चन बना। कंपेल्ड वीकनेस, इंग्लिश वर्जन जरूर लिखेगा, कंपेल्ड वीकनेस, विश्वसनीय साक्षी, विश्वसनीय नहीं, यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति से गया, विश्वसनीय साक्षी, आप इंग्लिश वर्जन जो भी कहें हिंदी में नहीं पूछा गया पूछेगा, कंपेल्ड वीकनेस या विश्वसनीय साक्षी, बात किया हुआ साक्षी, क्या बात किया हुआ, मजबूर किया हुआ, बात किया हुआ, मजबूर किया हुआ साक्षी, यानी कि क्या किसी गवाह को प्रश्न का उत्तर देने के लिए बात किया जा सकता है, इसी को कंपेल्ड विटनेस पूछा कहा जाता है। और ये पूछा गया था कि एविडेंस एक्ट में कहाँ ये प्रावधानित है, तीन धारा लिखिए, 132, 147, 165, 132, 147, 147 और 165, तीन धारा बताइएगा कहाँ कहाँ है। और आप आज जाके कम से कम तीनों धाराओं को क्या करिए एक बार, ताकि अंतर पूछे तो हम तो बताएंगे, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो तेजी से निकल जाएगा। तो 147 एक बार देख लीजिए, सही ना वैसे हमारे हिसाब से सही मत है, लेकिन एक बार भाई कंफ्यूजन है तो देख लिया, ठीक आगे देखिए भाई। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है 133 में बता दिया हूँ, एक कंप्लीट बताना है डिटेल में, 134 से क्वेश्चन बनता है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कम से कम कितनी संख्या, तो कोई संख्या अपेक्षित, यानी कि साक्षियों को तोड़ा जाता है, गिना नहीं जाता। इसके बाद 136 से क्वेश्चन बना है कि साक्ष्य की ग्राहकता के बारे में विवाद उत्पन्न होने पर कौन डिसाइड करेगा, न्यायालय की धारा के तहत 136 लिखिए, साक्ष की ग्राहकता के प्रश्न का अवधार ये पूछा जा चुका है, 136 को लेखन करेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है कि सुसंगतता और ग्राहकता में अंतर, तो उसको भी दो तीन दो दो उदाहरण द्वारा अच्छे से बताना पड़ेगा, ये ज़्यादा पूछा गया था। अब परीक्षा आ जाएगी तो 137 में आपका परीक्षाओं की परिभाषा 135 में क्रम दिया गया है, 140, 141, 142 लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, हल्का सा देखना है, 144, 145 उस पर परीक्षा तो होता है, 145 आपका खंडन और संपूर्ति 157 दो धारा एक साथ पढ़ी है। इधर आपका 45, 47, 47, 49, 50 इधर आपका साक्षियों को कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं, कभी कभी वो पूछ लिया जाता है, इधर तो मुख्य रूप से इधर पूछा जाता है आपका 146 से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कई बार संशोधन किया गया, कई केस आए, लिखिए 146 देखना, 147, 48, 49, 50, 51, 52 आपका 154 देखिए, 153, 154 पक्षद्रोही साक्षी, देखिए होस्टाइल विटनेस पर पूछा जाता है, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि होस्टाइल विटनेस कौन, तो जो सत्य बोलने का इच्छुक लिखिए, पक्षद्रोही साक्षी कौन, तो बस एक लाइन का जवाब दीजिएगा, जो ट्रू बोलने का इच्छुक न हो, जो सत्य बोलने का इच्छुक न हो, और कुछ न मानिएगा। पक्षद्रोही साक्षी कहाँ परिभाषित हैं, ये भी लोग गलत करते आ रहे हैं, देखिए पक्षद्रोही साक्षी की परिभाषा नहीं दी गई, उसको लिख लीजिए, साक्षर में नहीं दी गई, पक्षद्रोही साक्षी को परिभाषित
नहीं किया गया। इसके बाद आपका 155 56 57 स्मृति ताजा या मेमोरी रिफ्रेश करने पर पूछा जाता है। 159 मेमोरी रिफ्रेश किस दस्तावेज को देखकर कर सकते हैं, वो तो डिटेल में चलेगा, लेकिन मेमोरी रिफ्रेश या स्मृति ताजा की धारा में 159। इसके बाद आप 162 लिखिए, 162 165 दो धारा और पढ़नी है। दस्तावेज न्यायालय पेश करा सकता है 162 और प्रश्न पूछ सकता है मुख्य रूप से 165। इसके बाद जो अंतिम अध्याय है अध्याय 11, ये समझ में कम आता है लोगों को, बस एक लाइन जानना है कि अनुचित साक्ष के ग्रहण और अग्रहण का प्रभाव कहाँ दिया गया है। तो सेक्शन 167 जब भी ये धारा पढ़िएगा कम से कम एक धारा को कोड रेस करना करके पढ़िएगा 136, क्योंकि ग्रहण का निर्धारण कौन करता है 136 में न्यायालय। तो अंकित अगर गलत साक्ष्य ग्रहण कर ही लिया है तो हम आपत्ति कर सकते हैं कि धारा के तहत 167। एक और क्वेश्चन 167 बनता है कि एविडेंस में रिमांड कहाँ है। प्रतिप्रेषण रिमांड इसको लिख लीजिए। तो आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रिमांड या प्रतिप्रेषण कहाँ है। जहाँ जहाँ रिमांड 167 लिख लीजिए। अब रिमांड आपका सीपीसी में पूछ सकता है कि न्यायालय मामले को प्रतिप्रेषित कर सकता है, जहाँ से मामला है वहाँ क्या कर सकता है, पुनः सुनवाई के लिए दे सकता है। अभियुक्त का भी रिमांड होता है वो नहीं, ये मामले का 167। ये किसका रिमांड हम करा रहे हैं, मामले का, यानी कि निर्णय पुनः दिया गया तो फिर निचले न्यायालय को मामला पुनः सुनवाई के लिए क्या किया गया, अभियुक्त का नहीं, ये किसका रिमांड होगा मामले। सीपीसी में लिखिए 107 सेक्शन के रिमांड की जितने धारा है, सीपीसी में कौन सी धारा है 107, यहाँ भी मामले का, संविधान का अनुच्छेद 139 ए, यहाँ भी रिमांड है प्रतिप्रेषित करना, मैंने सुना वापस ले लिया रिमांड है, इसमें मामले का अभी क्या रकम रिमांड है। आपका सीआरपीसी में आ जाएगा, सीआरपीसी में 167 और 309 और भी 209 भी है, नहीं 209 भी है, कंप्यूटर के समय में इसको भेजा जाता है। आपका लेकिन मुख्य रूप से दो धाराएं याद कीजिए कौन कौन, 167 और 309। और बताया जाएगा सीआरपीसी में दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। अब यहाँ जो रिमांड होगा ये मामले का नहीं, ये अभियुक्त का रिमांड, अभियुक्त को क्या किया जाता है अभिरक्षा में भेजा जाता है, ये आपको देखना है। और आपका क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में ही रिमांड है। तो कॉग्निजेंस के पहले यानी कि संज्ञान के पहले अगर अभियुक्त को रिमांड पर भेजा जाता है तो 167, और जैसे ही न्यायालय ने अपराध का 190 में कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद रिमांड पर भेज रहा है तो 309। बताया जा रहा शेषात अंतर आपको याद करना है। इस प्रकार एविडेंस के मुख्यतः जो सिद्धांत से भाई वो बता रहे हैं, और आपका कर्तव्य है कि कम से कम पहला कर्तव्य ये है कि इन सिद्धांतों को घर पे जाकर उदाहरण भी स्थिति लिखवाइए जहाँ जहाँ से कोरिलेट करके पढ़ें।
अब कल आपका वाइस क्लास जो चलेगा एविडेंस को डिटेल में बता दिया जाए और नोट्स आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाए। जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं आपको दिमाग में एविडेंस का क्वेश्चन हम टेकन सब्जेक्ट का लेकर चला जाए। एविडेंस का आप लोग अगर पढ़ कर आए तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कल क्वेश्चन कुछ पढ़ाते हैं। साक्ष का मतलब ये हुआ कि स्वयं दिया जाता है पर साक्ष दूसरे की बातों को पेश किया जाता है स्वयं, और आपका परिसाक्ष में दूसरे की जो बातें उसको क्या करिए। जैसे कि एक उदाहरण में बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई अभियुक्त है, एक उदाहरण देखिए सेक्शन 26 उस पुलिस के समक्ष बयान दिया और पुलिस के समक्ष बयान में उसके बयान से हथियार बरामद, तो ये परिसाक्ष दिया जाएगा अभियोजन द्वारा कि जो अभियुक्त के बयान से ये हथियार बरामद हुआ, ये परिसाक्ष। और अभियुक्त खुद बोले तो साथ इसको बता दीजिए और अंतर, लेकिन जो मुख्य अंतर है परिसाक्ष में दूसरे का स्वयं का नहीं। और भी कोई क्वेश्चन है देखिए तो भाई, नहीं नार्को टेस्ट को इसको लिख लीजिए धारा भाई। नार्को टेस्ट में आपका एविडेंस की धारा 27 देखिएगा, देखिए कौन कौन धारा पढ़नी है इसको बता दिया जाए ना। एविडेंस की धारा 27 इस पर पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद 20(3) पढ़िएगा, सीआरपीसी की धारा 162 पढ़िएगा, सबसे कम तीन जगह से खोलेगा समझ लीजिए। देखिए सेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य का केस है, सेल्वी का हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये बिना अभियुक्त की सहमत के उसका जो वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है ये आर्टिकल 20(3) का वायलेशन और ये असंवैधानिक, ये पहला है। लेकिन यदि अभियुक्त रजामंद हो तो उसका ये टेस्ट किया जा सकता, यानी कि अभी तजामत हो तो वैधानिक हो गया। देखिए आपका अभियुक्त का कार है ना, गवाह का कोई कार है, किसका नाम ले रहे हैं पता जा रहा है किस प्रकार का था, तभी आगे बढ़ने दीजिए अभी पूरा नहीं है। अभी आप उस भाई ये है कि भाई अब अनुच्छेद 20 का क्लाज 3 पढ़िएगा, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जो गवाह और पीड़ित अभियुक्त से बाहर हो गए, यानी कि ये प्रोटेक्शन सबको नहीं है केवल किसको प्राप्त है अभियुक्त। जैसे कि आपका अभी हाथरस कांड है, तो अभियुक्त ने इनकार कर दिया कि हमारा तो मैंने वो तो तैयार है, जब पीड़िता ने इनकार कर दिया पीड़ित को जबरदस्ती तो इनकार कर सकता है, तो ये हुआ कि भाई सहमत से कर रहे हैं। आगे बताएंगे और डिटेल में, अभी तो सारवान बात ही कर रहे हैं। अब जो नार्को टेस्ट में या पॉलीग्राफ टेस्ट में जो भी पैदा जो निष्कर्ष निकल कर आए उसका महत्व क्या है ये याद रखिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो यह एक पुलिस के समक्ष दिया गया बयान